मु वर्तमान अनुरोध करबी आम सहित अछंती गुप्ताजी अछंती श्री मोहित गुप्ताजी एवं तांकर परिचय मु देई सारिछि जे जो प्रयास से आरंभ करिछंती तांकर अभिज्ञता सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट गुप्ताजी टू काइंडली शेयर योर एक्सपीरियंस एंड आल्सो द सब्जेक्ट रोल ऑफ एजुकेशन इन डेवलपिंग क्रिएटिव इकोनॉमी। तो सबसे पहले समझते हैं कि चलिए इन शब्दों को अलग अलग तोड़ते हैं कि एजुकेशन क्या है और क्रिएटिव और इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोगों को पता है इकोनॉमी एक तरीके का एक जरिया है आपको बिजनेसेस क्रिएट करने का, एक संचार माध्यम है। बट क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी है फ्रीडम। जब आर्किमिडीज पानी में बैठे थे, अपने टब में नंगे थे वो, और तब उन्हें ख्याल आया कि अरे मैं बायोन्सी की थ्योरी जानता हूँ, क्योंकि वो फ्रीडम में थे। जब न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो वो मज़े से हवा खा रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे, तब जब सर पे सेब गिरा तब उन्हें पता चला ग्रेविटी क्या होती है। और ऐसा ना जाने कितनी बार हुआ है। तो यानी क्रिएटिविटी एक फ्रीडम है, जब तक आप फ्रीडम नहीं देंगे तब तक आपको क्रिएटिविटी नहीं आएगी। तो एजुकेशन को भी हम फ्रीडम के पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं। मेरा मानना यह है, और जो कई और लोग भी कहते हैं, कि एजुकेशन एक बाउंडेड सिचुएशन है। जब आप केजी या क्लास वन से लेके अपना ग्रेजुएशन तक आते हैं, आप एक बाउंड स्ट्रक्चर में होते हैं। आप क्लास में, आपको सुबह आना है, पहले आपको मैथ्स पढ़नी है, फिर साइंस पढ़नी है, फिर आपको सोशल साइंस पढ़नी है। लेकिन जब एजुकेशन ख़त्म होती है तब आपका जो जीवन शुरू होता है उसको लर्निंग पीरियड कहते हैं, उसको सीखने का वक्त कहा जाता है। और जो सीखने की बात है उस पर प्रमोद जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि सीखना रुकना नहीं चाहिए। लेकिन सीखने को समझते हैं कि चलिए लर्निंग क्या होती है। पैंडेमिक के टाइम पे ज़्यादा कुछ करने को नहीं था, तो अलग अलग जिज्ञासाएं आ रही थी, तो मैं अलग अलग चीज़ें पढ़ रहा था, तो मैंने संस्कृत उठाई। संस्कृत का एक बड़ा कमाल का श्लोक मिला, मैं वो श्लोक तो नहीं आपको पूरा पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन मैं आपको उसका सार बताता हूँ। उसमें लर्निंग होती क्या है, लर्निंग के चार स्तंभ क्या होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। लर्निंग के चार स्तंभ होते हैं, यानी लर्निंग होती क्या है। जब आपको लर्निंग के लिए आपको चाहिए टाइम, यानी काल। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप कुछ भी नहीं सीख सकते। मैथ में बस तो टाइम ही नहीं है बॉस, मैं संडे भी बिजी रहता हूँ, सैटरडे भी, सुबह भी, शाम को मुझे कभी ये करना है वो करना है, तो समय इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा आता है आपका शास्त्र, जो रिसोर्सेज हैं। फ़र्ज़ कीजिए आप कुछ सीखना चाहते हैं लेकिन आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो आप लर्निंग नहीं कर पाएंगे। तीसरा आता है गुरु, जो मार्गदर्शक हैं आपके, जो आपके कोच हैं। ये तीनों चीज़ें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं लर्निंग का। ये तीनों चीज़ें हटा दें तो स्कूल, कॉलेज, किसी भी किस्म की लर्निंग या पढ़ाई नहीं हो सकती। लेकिन जो चौथी चीज़ है वो सबसे ज़रूरी है, वो है जिज्ञासा, दैट इज़ क्यूरियोसिटी। अगर आप कुछ सीखना ही नहीं चाहते हैं तो ये तीनों चीज़ें अगर आपके पास होंगी भी तो कोई फ़ायदा नहीं। और यही होता हमारे स्कूल और कॉलेज में। मुझे बचपन से बोला गया फिज़िक्स पढ़ो, फिज़िक्स तुम्हारी बड़ी कमज़ोर है। मुझे कभी जवाब नहीं मिला क्यों पढ़ूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आती, क्योंकि मेरी जिज्ञासा नहीं थी। लेकिन मैं ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ना चाहता था और मेरे को हमेशा जिज्ञासा रही, और अभी भी मेरे को ज्योग्राफी के बारे में बड़ी जिज्ञासा रहती है। लेकिन उससे, उसी की वजह से मैं ज्योग्राफी ज़्यादा पढ़ पाता हूँ। तो अगर ये चारों चीज़ों को आप कंबाइन कर देंगे तो जैसा सर ने भी कहा सुबह, श्रीपद जी ने, कि वो एक टीचर्स की एक पेडागॉजी बिल्ड कर रहे हैं, एक नया तरीका बिल्ड कर रहे हैं जिससे टीचर्स अच्छे से सिखा पाएंगे। तो मेरा मानना यह है कि हमें बच्चों से पहले अपने टीचर्स को सिखाना होगा, हमें उनकी जिज्ञासा बढ़ानी होगी। मैं कई स्कूलों में जाता हूँ जहाँ लोग मुझसे कहते हैं आप हमारे ना बच्चों को पढ़ाना सिखा दीजिए, आप बहुत किताबें पढ़ते हैं, आप इन बच्चों को पढ़ना सिखा दीजिए। मेरा जवाब होता है कतई नहीं, मैं कभी नहीं पढ़ाऊँगा बच्चों को, पहले मैं टीचर्स को पढ़ाना चाहता हूँ। क्योंकि आज हमारे समाज में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम बच्चे जो हमें देखेंगे वही पलटेंगे, वही करेंगे, तो वो जिज्ञासा वहाँ से बिल्ड होती है। तो इसलिए क्रिएटिविटी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो हमारे संस्थान हैं, जो हमारे आचार्य हैं, उनकी क्यूरियोसिटी, उनके एस्टेब्लिशमेंट पे काफ़ी काम किया जाए। क्रिएटिव इकोनॉमी पे बात करें तो आज की तारीख में अमेरिका, जापान और यूरोप, जिनको हम हमेशा देखते हैं, वो लगभग 12% अपने GDP, अपने एक्सपोर्ट्स का 12% कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ क्रिएटिव इकोनॉमी से देते हैं। क्रिएटिव इकोनॉमी होती क्या है? बड़ा सिंपल है, जो भी आप चीज़ें क्रिएट करते हैं, जो आर्ट, डिज़ाइन, फैशन, ये सब क्रिएटिव इकोनॉमी का पार्ट है। यही नहीं, अमेरिका जो एक्सपोर्ट करता है फूड, कार और इवन सॉफ्टवेयर, उससे भी कहीं ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करता है वो क्रिएटिव इकोनॉमी का पार्ट एक्सपोर्ट करता है, जो कि उनके लाइसेंसेज हैं,
सॉफ्टवेयर्स एंड लाइसेंसेज. मैम यहाँ पे वो बताएंगे किस तरीके से एक एड इनकम इनकी कंपनी के लिए भी इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. तो रोल ऑफ एजुकेशन पे जहाँ मैं बात करूँगा और मैं अपने वक्तव्य को एक निष्कर्ष पे लेके आना चाहूँगा यहाँ से. रोल ऑफ एजुकेशन जहाँ हमने बात करी, हमने समझा एजुकेशन क्या है, लर्निंग क्या है और इकोनॉमी क्या है. मुझे लगता है उसके तीन ही काम हैं. एजुकेशन हम चाहे NEP पॉलिसी की बात करें या हम उसमें भाषा की बात करें या हम जो उससे आने वाले स्किल्स की बात करें, तीन बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ हैं जो कि क्रिएटिविटी को बढ़ाएंगे. पहला है करेजियस. हमें स्कूलों में बच्चों को महानता की जगह ये भी सिखाना होगा कि हम हारे कब और हार को संभाले कैसे, क्योंकि आज तक कोई किसी हार की कहानी नहीं सुनाता. हम हर जगह ये बताना चाहते हैं कि वो देखो यूनिकॉर्न बन गया, उसने $1 बिलियन बना लिए, लेकिन कभी कोई छोटे एंटरप्रेन्योर की कहानी नहीं सुनाता. वो भी सुनानी चाहिए, जिनके घर में कभी कोई फादर ने बिजनेस किया हो, किसी ने उनको देखा हो मुश्किलों के साथ काम करते हुए, वो कहानियाँ बहुत ज़रूरी हैं. तो करेजियस बनाना, मुझे लगता है साहसी बनाना बच्चों को बहुत ज़रूरी होगा हमारे इस एजुकेशन सिस्टम में क्रिएटिव बनाने के लिए. दूसरा, मैंने बात करी जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी की, और तीसरा बट ऑब्वियस, हमें क्रिएटिव बनाने के लिए उनको फ्रीडम देनी होगी. हमें उनको एक चीज़ के बारे में ज़रूर बताना होगा कि सवाल पूछो. सवाल पे एक चीज़ याद आती है, आप में से कितने लोग जानते हैं कि ए के बाद बी क्यों आता है, बी के बाद सी क्यों आता है, सी के बाद डी क्यों आता है? कोई मेरे को उसका जवाब दे सकता है? अच्छा, किसी ने पूछा है कभी? कितने यहाँ स्टूडेंट्स कितने लोग हैं? देखिए एक्चुअली हाथ सबके खड़े होने चाहिए थे सभी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन कभी किसी ने क्लास में पूछा कि भाई मैम आप ABCD रटवा रही हैं हमें, ए के बाद बी क्यों आता है? मेरी मर्जी, मैं तो एफ लिखूंगा. आपने किया था? क्या किया था? बाहर निकाल दिया था? आउटस्टैंडिंग बना दिया था आपको उसके लिए? मैं बहुत खुश हूं बिटिया कि तुम इतना भी बता पाई, बहुत बढ़िया है, तालियां हो जाए इनके लिए. बिल्कुल, बड़ा कमाल है. जब मैं संस्कृत सीख रहा था तो किसी ने बोला भाई देखो हमारी भाषा इतनी बढ़िया है, उसके का के बाद खा आता है क्योंकि तालु सिस्टम है. जैसे जैसे जठाग्नि से आपकी आवाज़ जो एनर्जी है, आवाज़ हवा के साथ मिलती है, दैट्स हाउ योर का खा गागा इज क्रिएटेड. लेकिन ABCD के लिए किसी ने बोला नहीं नहीं, ये तो ए ऐसे लग गया, बी ऐसे लग गया. लेकिन मैं आपको बता दूं ABCD में भी लॉजिक है. अगर ABCD यानी आप गाना गा रहे हैं, इसीलिए बच्चों को ABCD जल्दी याद हो आता है क्योंकि गाना है ABCD. और अगर किसी घर में छोटा बच्चा हो तो देखिए जो सबसे पहला वीडियो उनको दिखाया जाता है आजकल मोबाइल पर, उसमें ABCD राइट याद रहता है. लेकिन बात करते हैं काका गागा की. का से ही क्यों शुरू होता है? क्योंकि का जो है ये क्यूरियोसिटी यानी सवाल है. का कब कित्र किम कोथाए, हाँ, सो का से हर चीज शुरू होती है. इनफैक्ट अगर आप ग्रीक एटमोलॉजी को देखें तो उसमें भी जो वॉट वेयर हाउ वेन है उसमें का आता है. इट ऑल हैज के इन इट. मतलब मैं एकता कपूर का नहीं कह रहा हूं यहां पे, और ये कारण भी नहीं है कि एकता कपूर ने इसलिए का हर जगह लगा दिया होगा, बट जो का है अगर आप देखें इसी से कब कहां कैसे. तो ये बहुत जरूरी चीज है हमारे एजुकेशन में कि हम बच्चों को सवाल पूछने दें. क्योंकि मैंने जब कभी एक बार सवाल पूछा कि मैं ए के बाद डी लगाऊंगा, कान के नीचे पड़ा था, मुझे बाहर निकाल दिया गया था. वो शायद मेरा आखिरी सवाल रहा होगा. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर जगह हम बच्चों को जिज्ञासु बनाएं और उनको सवाल पूछने दें और उनको माध्यम भी दें कि वो सवालों का जवाब ढूंढेंगे कहाँ से. और इस पूरे प्रोसेस में हमारे शिक्षक गण को भी क्यूरियस होना पड़ेगा और उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कोई बच्चा मुझसे ऐसा सवाल पूछ सकता है जिसका जवाब मुझे भी ना पता हो. और वहाँ काम आता है आपका सोशल नेटवर्क, वहाँ काम आएगा आपका इंस्टाग्राम, वहाँ काम आएगा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वहाँ काम आएगा आपका एक ग्लोबल नेटवर्क जहाँ पर सारे सवाल हैं. ChatGPT भी उसका एक माध्यम है. लेकिन आपको सवाल तो सही पूछना पड़ेगा ना. सर ने पूछा मैं इंडिपेंडेंस डे पे क्या स्पीच दूँ, तो सवाल था बिल्कुल सही सवाल, सवाल था तो जवाब भी सही मिला. और उसके बाद आते हैं आपके एथिक्स कि आप बता भी दें. जैसे सर ने बता दिया, ऐसा नहीं कि जब स्पीच दे दी सबने खूब तालियां बजाई, फोटो वोटो खींच गई, तब धीमे से बताया कि देखो यार तो मैंने ChatGPT से लिया था. यहाँ आते हैं आपके एथिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, और यहीं आपकी क्रिएटिविटी विद एथिक्स विल प्ले. और मुझे लगता है मैंने शायद समय का ज़्यादा उपयोग कर लिया, उसके लिए क्षमा चाहूँगा, जो कि मैंने श्रीपद जी से आज सुबह सीखा. क्योंकि एक एजुकेटर होने के नाते
उन्होंने जब उसके लिए क्षमा मांगा कि मैंने थोड़ा समय ज़्यादा लिया, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और समय को बड़ा बलवान कहा गया है, तो उसी के साथ मैं इस समय को बलवान मानते हुए उससे क्षमा मांगता हूँ। और आप सब से मैं आशा करता हूँ कि आप सब जितना क्रिएटिव हो सकते हो, जितना जिज्ञासु हो सकते हो, और इस कॉन्क्लेव में सबसे मिलिए, उनसे सवाल पूछिए। और हाँ, जो बच्चे यहाँ पे आए हैं खासतौर पे, मेरी इस राय पे कल से सवाल पूछना शुरू हो जाना, ठीक है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।